हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है भाई, बहुत सारे कमेंट्स वीडियो पे आ रहे थे भाई कि आप बजाज प्लेटिना एवीएस वाली बाइक की रिव्यू करो, बताओ उसके बारे में। तो उसी के बारे में बताने वाले हैं, बजाज प्लेटिना 110 एवीएस के बारे में, उसकी प्राइस, माइलेज और थोड़ा सी डिटेल्स रिव्यू बता देंगे, आपको खरीदनी चाहिए या ना चाहिए। तो आप आगे तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो क्या करना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर दें। तो गाइज, वीडियो हो चुकी है यहाँ पे एकदम शुरू। तो सबसे पहले भाई, हम देखो वीडियो में बता देते हैं आपको पहले भाई, क्योंकि जो ये जो बाइक है ना, बजाज प्लेटिना 110 एबीएस में जो आई अभी लॉन्च हुई है, तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है भाई, इसकी निकल के आती है ऑन रोड प्राइस 90,000 रुपये। इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,000-2,000 रुपये, ऊपर नीचे हो सकती है भाई, वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी थोड़ी सी लगा के, ठीक है। तो इसकी माइलेज की अगर बात कर लेते हो, तो इसका माइलेज भाई, प्लेटिना का माइलेज के बारे में आप पूछो ही मत, सबको पता है भाई माइलेज इसका 70 से 75 के हिसाब से इसका माइलेज है। 110 सीसी का इंजन है, तो मैं मानता हूँ 70 का इसका माइलेज 100% होगा, और फिर आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी राइडिंग करते हैं। तो ये तो होगी प्राइस और माइलेज के बारे में। तो बात करते, देखो भाई, जो मैं कल एजेंसी पे गया था, मैं खुद एजेंसी पे गया था अपने यहाँ, जो भी मेरे पास में पड़ती है बजाज की प्लेटिना, बजाज की कंपनी की एजेंसी, तो उस पर गया था। तो भाई, ये गाड़ी अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, बजाज प्लेटिना 110 एबीएस वाली, 110 तो अवेलेबल थी, एबीएस वाली अवेलेबल नहीं थी। तो मैं जो 110 थी उसकी वीडियो बना के ले आया हूँ, उसके मैं आपको क्लिप दिखा दूँ। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है भाई? उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो आपको मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो भाई देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी जब गाड़ियाँ लॉन्च होती तो एकदम नहीं आ पाती, थोड़ा टाइम लगता है भाई, महीने दो महीने लग जाते हैं आने में इधर। तो ये सिस्टम कहानी कुछ ऐसी। तो भाई बात कर लेते, देखो बजाज प्लेटिना 110 एबीएस के बाद जो मैंने कल प्राइस पता की थी एजेंसी पे, वो भाई 90,000 बताई थी। और जो प्लेटिना 110 सीसी की जो प्राइस आ रही है भाई अभी, तो वो उसकी प्राइस है 86,000 रुपये, उसकी प्राइस बढ़ चुकी। तो भाई, सादा वाली में और इस वाली में आपको 4-5 हज़ार रुपये का अंतर मिलेगा, और 4-5 हज़ार रुपये में आपको क्या इसमें मिलेगा अंतर, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये डिस्पेरेंट में आती है आपकी बजाज प्लेटिना 110 एबीएस, इसमें एंटी ब्रेकिंग सिस्टम आता है भाई, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। अब तक की जितनी भी कंपनियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं भाई, 110 सीसी सेगमेंट में पहली बजाज की बाइक होने वाली है प्लेटिना 110 सीसी, जिसके अंदर एबीएस का भाई एकदम फीचर्स दे दिया है। ये काफ़ी अच्छा काम किया बजाज वालों ने भाई, और ये सारी कंपनियों को कर देना चाहिए अपनी बाइक के अंदर, लेकिन बजाज ने भाई पहले कर दिया ये काम। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या भाई अपडेट हुए हैं। प्लेटिना 110 सीसी थे तो इसमें अपडेट हुआ, देखो सेम पूरी गाड़ी आपकी वैसा ही है लुक। जो मुझे सबसे ज़्यादा इसका जो लुक लगा भाई, जो इसकी रिम भाई दी गई है, देखो आगे से बात करते तो आपकी LED DRL लाइट वगैरह वही मिल जाती है, हेलोजन हेडलैम्प मिलती है, विंडशील्ड ग्लास मिलता है। उसके बाद जो अपडेट किया गया वो भाई, इसके जो मडगार्ड वगैरह, इसमें तीन कलर आते हैं आपके, एक रेड, ब्लू और ब्लैक में आते हैं, तीन कलर, तीनों आप देख सकते हो भाई। उसके बाद आपको जो इसका टायर साइज मिलता है, वो है 80x100 का साइज मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर मिलता है। जो इसकी जो रिम है, काफ़ी यूनिक टाइप से दी गई है, और भाई इसकी जो साइड से स्टिकर भी लगाए गए हैं, तो ये एकदम चार चांद लगा देती है, मतलब मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसकी जो लुक है इसका। बाद में इस पर डिस्क वेरियंट भी मिलता है इसमें, और सिंगल चैनल ABS मिल जाता है इसके अंदर, साइड से भाई ABS का सिस्टम सपोर्टिंग है इसमें। और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल इंडिकेटर वगैरह भाई जैसे आते वैसे ही मिल रहे हैं आपको। और बाद में इसमें कुछ बताने को है नहीं, वही है 110 सीसी का इंजन में, तब साइड कट ऑफ सेंसर का फीचर मिल जाता है। उसके बाद जो पीछे का अगर सीट की बात करते तो पीछे काफ़ी अच्छी सीट कम्फर्ट वाली मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे 110 सीसी ABS की ब्रांडिंग है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। पीछे के टायर की बात करते तो आगे पीछे दोनों के टायर सेम मिल जाते हैं, 80x100 के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं भाई, और पीछे सेंसर भी दिए गए हैं आपके। अब पीछे का भी सेम लोग का टेल लैंप वगैरह, हैंड ग्रिल वगैरह सब सेम मिल जाती है। उसके बाद जो अगला अपडेट है भाई, वो निकल के आता है इसके अंदर, इसमें भाई मीटर कंसोल इसका जो अपडेट किया गया है, तो सेम ही डिजिटल मीटर इसके अंदर मिल जाता है भाई। यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर के अंदर भाई आपको सारे फंक्शन मिल जाते हैं, रियल टाइम माइलेज, डिजिटल क्लॉक वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। आपका स्पीडोमीटर आपका एनालॉग में मिलता है। तो ये यहाँ पे ABS की लाइट वगैरह, इंजन की सब कुछ मिल जाता है इसमें के अंदर भाई। तो यहाँ से आगे से भाई देखो, मीटर कंसोल अपडेट किया गया है, उसके बाद आपका ABS सिस्टम इसमें अपडेट कर दिया गया है। बाद में हम कि भाई आपकी बजाज प्लेटिना 110 सीसी भाई बाइक है, उसके अंदर ये चीज़ें थोड़े फीचर्स फिट कर दिए। इसका ही प्राइस बढ़ गई, तो 4-5 हज़ार रुपये प्राइस इसकी बढ़ी है, तो भाई कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई, काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको ये फीचर्स मिल जा रहे हैं। तो यार
इसमें जो एक कमी मिल रही है यार, बजाज अभी तक अपनी गाड़ियों के अंदर क्यों नहीं लेके आ रहा है इसमें भाई, चार्जिंग पॉइंट नहीं आ रहा अभी तक। चार्जिंग पॉइंट अगर मिल जाता ना काफ़ी मज़ा आ जाता, सारी कंपनियों ने चार्जिंग पॉइंट दे दिया लेकिन इसमें चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। पता नहीं अब भाई कब देखने को मिले बजाज के अंदर गाड़ियों के अंदर। तो ये तो होगी ऑल ओवर भाई बात, हमने आपको एक प्लेटिन 110 ABS के बारे में बता दिया। इसमें कोई ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ, दो ही चीज़ें अपडेट हुई हैं, एक ABS सिस्टम, उसके बाद 7 डिजिटल मीटर इसके अंदर आ गया। बाद वहाँ की आपकी वही बजाज प्लेटिन 110 CC वाली बाइक है, आप चाहो और इसमें डिस्क वेरियंट भी मिलता है। तो यार आप चाहो, जो अच्छी चीज़ें इसमें अपडेट हुई हैं वो ज़्यादा प्राइस भाई बड़ी नहीं है, काफ़ी अच्छी प्राइस 4-5 हज़ार रुपये में आपको अच्छी अपडेट मिल रहे हैं। तो अच्छी मैं प्रेफर करूँगा अगर आप बाइक खरीदना चाह रहे हैं बजाज की प्लेटिना, तो भाई प्लेटिना आप 110 AB सिस्टम वाली खरीदना, 90 हज़ार रुपये की यार आराम से बढ़िया बाइक है। और आपको सादा वाली चाहिए आपको ड्रम में, तो आप फिर जा सकते हैं 85 हज़ार रुपये की वो लमसम में, तो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से भाई इसका मैं चाहूँ प्रेफर करूँगा अपने ओपिनियन से, ये काफ़ी अच्छी बाइक है बजाज प्लेटिना 110 AVS, जो कि सारी गाड़ियों में हो सकता है ABS आगे आने वाला है। तो ये तो होगी आज की कहानी, वीडियो आपको कैसी लगी बताओ नीचे कमेंट्स में, और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो क्या करना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।